प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति में शराब के दामों में कमी व होटल बारों को रात 2 बजे तक खुला रखने के आदेशों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन किया। हमीरपुर में प्रदेशाध्यक्ष मुनीष ठाकुर की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने रोष रैली निकाली व प्रदेश सरकार के खिलाफ गुवार निकाला। इससे पूर्व हमीरपुर में लोकसभा हमीरपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति में शराब के दामों में कमी व होटल बारों को रात 2 बजे तक खुला रखने के आदेशों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन किया। हमीरपुर में प्रदेश अध्यक्ष मुनीष ठाकुर की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने रोष रैली निकाली व प्रदेश सरकार के खिलाफ गुब्बार निकाला। इससे पूर्व हमीरपुर में लोकसभा हमीरपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई समस्याओं पर गहनता से चर्चा की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष ठाकुर ने बताया कि शराब नीति के बदलाव को लेकर आज लोकसभा हमीरपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अन्य समस्याओं पर भी गहनता से चर्चा की गई। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद चीजों को सस्ता ना करके केवल शराब को सस्ता कर रही है, जो कि गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शराब नीति में जो बदलाव किया है उसको वापस ले, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो युवा कांग्रेस अपने आंदोलन को और तेज करेगी। आज लोकसभा हमीरपुर की समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें सभी विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारी जो हमीरपुर लोकसभा से संबंध रखते हैं, और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की गई, किस तरह से युवाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना है। और आप देख ही रहे होंगे कि आज इतनी तादाद में युवा साथी आज इस बैठक में आए, उसके लिए मैं सबसे पहले जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हमारे पदाधिकारी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसमें चर्चा निकल कर आई है कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो प्रदेश सरकार है वो जन विरोधी निर्णय लेगा। आपने हाल ही में देखा होगा जो ज़रूरतमंद जो वस्तुएं हैं, चाहे वो सिविल सप्लाई की दुकान पर जो राशन है वो सस्ता उपलब्ध कराने की ज़रूरत थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने जिस तरह से जो शराब की जो नीति है उसमें बदलाव किया है, शराब को उन्होंने सस्ता किया है, बजाय दालें और चावल आटा जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसको सस्ता न करते हुए। और पूरे प्रदेश की जनता को उम्मीद थी, जिस तरह से इस प्रदेश के मुखिया और उनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली चुनाव में दिल्ली में डटा हुआ था, और प्रदेश के अंदर कोई भी लोगों की सुध लेने वाला कोई भी प्रदेश का मुखिया यहाँ पर उपस्थित नहीं था, और सबको उम्मीद थी कि दिल्ली चुनाव से कुछ सीखकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी आए होंगे। वो दिल्ली चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बिजली और पानी के दाम जो घटाए हैं उसका फ़ायदा प्रदेश के अंदर मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें करने के बजाय इन्होंने शराब को सस्ता किया है। और कहीं ना कहीं रात के 2 बजे तक जो 5 सितारा होटल है, टूरिज़्म के जो होटल हैं, बार है, उनके अंदर जो समय की जो सीमा बढ़ाई है कि 2 बजे तक आप वहाँ पर दारू का सेवन कर सकते हो, और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो हमारे बॉर्डर एरिया है, चाहे उल्ना है, चाहे पौंटा है, चाहे कांगड़ा का जो क्षेत्र है जो बॉर्डर एरिया से प्रभावित है, वहाँ पर बाहर के लोग आएंगे और रात को 2-2 बजे तक वो शराब पी के हुड़दंग मचाएंगे। आप देखिए, अगर रात को कोई शराब पीकर होटल से बाहर निकलेगा, सड़कों पर कोई अगर परिवार के साथ कहीं जा रहा है तो उसके साथ बदतमीजी होगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमने प्रदर्शन किया है, शिमला के अंदर भी हमने प्रदर्शन किया है, सिरमौर के अंदर भी, और आज हमारी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि जो आपने शराब की जो नई नीति में जो बदलाव किया है इसको वापस करते हुए, जिस तरह से मोदी सरकार ने जो एक लगत 146 रुपये सिलेंडर के दामों में रसोई गैस में बढ़ोतरी की है उसको कम करते हुए प्रदेश की जो सरकार है 100 रुपये उसमें सब्सिडी दी, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत मिले। तो प्रदेश के अंदर जो बिजली पानी जिस तरह से आप देख रहे होंगे, शिमला के अंदर एक एक परिवार को 30-30 हज़ार पानी का बिल आ रहा है, और हमीरपुर के अंदर भी यहाँ पर अभी चर्चा चल रही थी 2.5-2.5 लाख रुपए जो बिल आ रहा है कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स से और वहाँ रेजिडेंशियल एरियाज में। ये प्रदेश सरकार ने जो एक एजेंडा बनाया है, इन्होंने तर्क दिया है कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है, और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बाकायदा उन्होंने फिगर घोषित की है कि इस बार 13% जो ज़्यादा रेवेन्यू शराब से इकट्ठा किया जाएगा, 1840 करोड़, 215 करोड़ बढ़ाकर 1840 करोड़ का जो रेवेन्यू इकट्ठे किया जाएगा। ये तो सरासर हिमाचल प्रदेश के जो युवाओं को हैं अपना भविष्य शराब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि ये युवा रोज़गार की बात ना कर सके, महंगाई की बात ना कर सके, दूसरी बुनियादी सुविधाओं की बात ना कर सके। ये जो सरकार है ये युवा विरोधी है, ये महिला विरोधी है, प्रदेश विरोधी है, इसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन रखा। प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं
आज यहाँ से चेतावनी देते हैं कि वो इस शराब नीति में बदलाव करें और तुरंत आपके पास और सोर्स है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।